नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नेहा जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नेहा जोशी केयर क्लिनिक। आज की वीडियो बहुत ही छोटा सा होने वाला है। मैं आपको फन फैक्ट मंडे में एक सिंपल सी टिप बताने वाली हूँ जिससे कि इस शादियों के सीजन को आप ज्यादा इंजॉय कर पाएंगे। शादियों के सीजन में जब आप किसी के घर जाते हैं तो यार, अगर आपने पनीर और कोफ्ता नहीं खाया तो फिर जाने का मतलब ही क्या है। दूल्हा दुल्हन शादी कर रहे होते हैं भाई, बाकी के जो रिलेटिव्स आते हैं वो तो ऑब्वियसली खाना खाने के लिए, एंजॉय करने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिश होती है जो शायद हम घर में रेगुलर नहीं बनाते। तो इन सारी समस्याओं के साथ या जब हम खाना खाते हैं तो बहुत सारी समस्याएं हमें होने लगती है। किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है, किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी किसी को उल्टियां होना चालू हो जाती है और भी बहुत कुछ समस्या होती है। तो इन सारी समस्याओं से बचने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी टिप दूंगी जिससे कि आप शादी में खाना बहुत ही मस्त तरीके से खा पाएंगे और उसके बाद में होने वाली प्रॉब्लम भी आपको नहीं होगी। तो दो टिप है आपके लिए। पहली टिप तो यह है कि अगर आपने शादी में अच्छे से खाना खाया है, उसके बाद में यदि शादी में पान का स्टॉल है तो प्लीज जाकर मीठा पान जरूर खाइए, और एक नहीं दो दो तीन तीन खाइए, दो दो पांच पांच मिनट के अंतर से। भले ही कोई आपको बहुत ही लीचड़ व्यक्ति का इंसान कहे कि भाई दूसरे की शादी में आ गए तो चार चार पान निकल लिए, लेकिन अगर आप इंजॉय करने गए हैं तो प्लीज खाइए। एक नहीं दो या तीन पान आपको खाने चाहिए, क्योंकि पान खाने से डाइजेशन बहुत ही अच्छा होता है। ये ऑयल को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, यानी कि जो ऑयली फूड आप खाते हैं तो ऑयल की वजह से अक्सर लोगों को उल्टी या जी मिचलाने जैसे सिम्टम आते हैं, वो चीज आपको नहीं होगी। साथ ही साथ आपको डायरिया भी नहीं होगा क्योंकि ये सोखने का काम करता है, तो जो आपका मोशन है वो नॉर्मल रहेगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये है पहली टिप। दूसरी टिप, यदि वहां पान का स्टॉल नहीं है तो सौंफ ज्यादा खाइए। अक्सर आपने देखा होगा रेस्टोरेंट में लास्ट में कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा सौंफ अपने पर्स में छुपा छुपा के रख लेते हैं, लोग उनको बड़ा ही अजीब तरीके से देखते हैं। मैं भी उसी व्यक्ति में से हूँ। मतलब मैं तो लास्ट में चार पांच चम्मच सौंफ अलग से वो टिश्यू पेपर में बांध के अपने पर्स में डाल लेती हूँ, फिर आधे एक घंटे तक खाती रहती हूँ, क्योंकि सौंफ खाने से आपका डाइजेशन बहुत ही अच्छे तरीके से होता है। ऑयल की जो प्रॉब्लम होती है, जो एक्सेसिव ऑयल के कारण होने वाली प्रॉब्लम होती है, जो मैंने अभी आपको बताई नोजिया और डायरिया का होना, वो चीजें आपको नहीं होती है। तो ये दो टिप हैं आपके लिए, प्लीज इस्तेमाल करिएगा। पहली चीज तो पान खाइए, दो या तीन पान खाइए। हाँ, पान मीठा पान खाना है जिसमें कि सौंफ, इलायची, थोड़ा सा चूना, थोड़ा सा कत्था और लौंग, ये सारी चीजें होती है। तंबाकू डाल के पान नहीं खाना है। मैंने ये चीज नहीं बोली कि आप लास्ट में तंबाकू खाइए। नो, मीठा पान खाना है जिसमें की सारी ये औषधियां होती हैं जो कि डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं। और अगर पान नहीं है तो फिर सौंफ ज्यादा खाइए। मतलब करीबन एक मुट्ठी सौंफ जो इतने आपके हाथ में आ जाती है वो आपको खाना खाने के बाद खानी चाहिए। इकट्ठे नहीं खानी है, पांच पांच दस दस मिनट का इंटरवल देते हुए थोड़ा थोड़ा करके खाते जाए तो आप शादियों में आसानी से इंजॉय कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी और इंजॉय करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे। चलिए, मैं आपको दोबारा मिलूंगी बुधवार के दिन एक डिटेल वीडियो के साथ में किसी टॉपिक पर, और तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।